हैं आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव और सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूं आपके साथ पिंकी। यही नजर डालते हैं आज की खबर पे। लखीमपुर खीरी मितौली तहसील के ग्राम जमुनिया साहबगंज में जांच करने आए अधिकारी के जाते ही दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। दोनों तरफ से ईंट पत्थर और लाठी चली जिससे कई लोग घायल हो गए। बताते चले कि बीते कुछ दिन पहले तमाम ग्रामीणों ने लामबंद होकर प्रधान के द्वारा किए जा रहे शौचालय और आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन मोर्चा खोला था। उसी को संज्ञान के अंतर्गत जिला अधिकारी लखीमपुर खीरी के द्वारा आदेश दिया गया था कि जल्द ही ग्राम जमुनिया साहबगंज की निष्पक्ष जाँच कर रिपोर्ट सौंपी जाए। उसी जाँच को करने आए DDO और अन्य आला अधिकारी ग्राम जमुनिया साहबगंज बाज पहुंचे थे, लेकिन वहां जांच करने के दौरान जब माहौल को गर्म होता देखा वो वहां से चले गए। ग्राम प्रधान मनदीप सिंह जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जांच जब निष्पक्ष होती देख दूसरे पक्ष के लोग लड़ने को तैयार हो गए और गाली गलौज करने लगे। जब हम लोगों के द्वारा इस बात को विरोध किया गया तो वे ईंट पत्थर और लाठी डंडे लेकर लड़ने को आ गए। हम सब लोग कुछ समय पाते उससे पहले ही वो लोग गाली गलौज करते हुए ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलाने लगे जिससे हमारे पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मंगलगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। इस घटना के बारे में जब मंगलगंज कोतवाल फतेह सिंह जानकारी ली गई तब उन्होंने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष से तहरीर नहीं आई। तहरीर आते ही उचित कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लखीमपुर खीरी से तौहीद खान की रिपोर्ट। ऐसे ही कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।